अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू होने से पहले सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर करीब 50 देवी देवता आनी और बंजार सहित आसपास के क्षेत्र से ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में लाव लश्कर के साथ पहुंचे। आनी के देवता खुडीजल सैकड़ों हरियाणियों के साथ 150 किलोमीटर पैदल चलकर कुल्लू पहुंचे। लगभग 80 किलोमीटर दूरी से आए हैं और तीसरे दिन में पहुंचे हैं। रात में मारा पड़ा, दो तीन जगह होता है। आज हमारा देवता तीसरे दिन यहाँ पहुंचा कुल्लू में, ये अपने शिविर में विराजमान है। और रास्ते में दो तीन जगह रात को जो है देवता जी टिकते हैं और वो उसके जो है कुछ स्थान बने हैं और पब्लिक वहाँ से आराम से बैठती है और प्रेम से अपना बैठते शिविर वहाँ से आगे कूच करते हैं। तो फिर आज देवता जी यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी जी पूरा बोला जी बाहू से हम फाटी बाहू से ना जी कोठी तलोकपुर और तहसील बंजार से हम आए हैं। और देवता का नाम श्री लक्ष्मी नारायण पुजारी जी महाराज कहते हैं इसको। तो इसलिए जो हम कल जो है यहाँ पर रथ यात्रा में भाग लेंगे, रघुनाथ जी के पास सवेरे जाएंगे, कल शीश निभाएंगे, फिर अपनी परंपरा का निर्माण करने के लिए हम मेरा देवता जी लक्ष्मी नारायण जी कल 4 बजे रथ यात्रा में भाग लेंगे। प्रति साल भाग लेता है, इस साल इस बार से भाग लेंगे और अपनी रथ के दाहिनी ओर तीसरे नंबर में भाग लेते हैं। बहुत पहले से आज भी कल भी भाग लेगा, तो इसलिए फिर लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है कल के बारे में। कल की प्रतीक्षा में लोग हैं कि हम रथ यात्रा में भाग लें और रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आज उत्सुक है हमारा पूरा देव समाज जी, पूरे पब्लिक यहाँ की जी। दो देवता ही विराज पहुँच चुके जी, एक लक्ष्मी नारायण पुजारी बाहू वाले, दूसरे रघुनाथ जी मोहनी से। बाकी अन्य देवता अभी तक यहाँ पर नहीं आ सके, अभी आएंगे थोड़ी देर में। यहाँ लगभग जो जी 10-12 देवते बंजार घाटी के रहते जी, माता बूढ़ी नागनी जी, माता संचूर महाराज और श्री मालूम श्री ऋषि महाराज और सिंह ऋषि महाराज और मारकंडा ऋषि जी, यहाँ जो है इतने देवता ये ठहरते इस पार्क में जी। बहुत पहले से बाजी परंपरा जी, सवेरे जो है मध्यकाल को जी आरती की जाती है और सभी लोग अपने वाद्य यंत्रों से देवताओं से प्रार्थना करते हैं और आरती करते हैं। सवेरे ठीक जो है हमारी जी पूजा 9 बजे होती है और ठीक वाद्य यंत्रों के साथ पूजा की जाती है। सभी लोग अपने हाथ जोड़ करके देवताओं से और शीश नवाते हैं और अपना जो भी है उसको नवाते आ रहे हैं आज बहुत पहले से जी। और लोग काफ़ी उत्साहित है इस बार शहरे से जी, और दशहरा में अभी काफ़ी हमें कुछ नया देखने को जो मिल रहा है जी। तो शाम को हमारे 8 बजे आरती होती जी और आरती में साथ फिर शाम को थोड़ा देवते के पास हमारा भजन भी चलते जी यहाँ थोड़े। तो देवता हाँ जी यहाँ 7 दिन तक जी लोग अपना यहाँ टेंट के साथ हम रोटी दरी बनाते जी अपनी अच्छे तरीके से और फिर खाते हैं, फिर देवते के साथ यहाँ आराम से सोते भी हैं। हमें किसी प्रकार के यहाँ कोई परेशानी या मुझे नहीं लग रही है, हम खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे, हमें किसी प्रकार की यहाँ कोई परेशानियाँ नहीं है। अन्य क्षेत्र के रघुपुर से आता है और 150 किलोमीटर दूर से आता है, हम जो है पैदल ही आते हैं वहाँ से रघुपुर से। इस बार जो हम बाया गाड़ा घसानी होके आए हैं तो हम जो है तुम्हारे को 3 दिन यहाँ आने के लिए लगते हैं, तो हम जो है कभी भी गाड़ी में नहीं देवते को लाते हैं। तो इसलिए जो हम कुल्लू दशहरे के लिए जो है कम से कम 150 किलोमीटर दूर आए हैं, तो तभी जो है मैं जिला कार संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ जी। हम ऑटो सराज से आए हैं देवरी देवता खुड़ीजल के, मैं देवता खुड़ीजल का कारदार हूँ और जिला कारदार संघ का उपाध्यक्ष हूँ। तो इसलिए जो हम 150 किलोमीटर दूर से जो है यहाँ दशहरे में पहुँचे हैं और हम जो है पैदल ही आए हैं, क्योंकि हमारा एक दिन का ठहराव जो है देवरी से गाड़ाघसानी, दूसरा ठहराव जो है गाड़ाघसानी से बंजार और तीसरे में मतलब टकोली। आज जो हम सुबह यहाँ 8-9 बजे पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा लोग भी आए हैं, मेरी जो कमेटी के लोग भी आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं देवी देवताओं से जो है दशहरे की शोभा बनी रहे।